खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कि जहां एक नन्हा सा दीपक आसमान के ओर छोर तक फैले हुए अंधकार को चुनौती देते हुए कहता है कि भले मैं तुम्हारा पूरा तम नहीं हर सकता, लेकिन मेरा होना ये सिद्ध करता है कि अंधकार को मिटाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। तो आप लोग भी, आपकी पेंटिंग कितनी बिकती है, नहीं बिकती है, नहीं, अगर एक पेंटिंग भी आपकी जाती है तो आप ये आशा रखिए कि हम आगे बढ़ेंगे। कैनवस का एग्जीबिशन है यहाँ पे, पूरा हिंदुस्तान का जैसे जिस तरह से छवि होती है वो छाई हुई है। अनुक्ता जी की जो पेंटिंग्स हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल। शी स्पेशलाइजेज इन इंडिया ट्रैवल, एंड जहाँ जहाँ पे ये गई हैं, विजिट किया है जगहों को उन्होंने, वहाँ पे जो भी उनको अच्छा लगा है वो उसको उन्होंने कैनवस पर उतारा है। इट इज़ सो वंडरफुल टू सी। कहीं पर आप नाव देख रहे हैं, कहीं मंदिर की घंटियाँ देख रहे हैं। नथिंग मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट विच आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू इज द मगन पेंटिंग जो इनकी है, जो वुमनिया, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया है, इज पार्ट ऑफ द वेबसाइट। And congratulations for it. It's a beautiful painting. It has dance in it actually. So I think which is also very beautiful. Yes. And thank you for making India look so colorful. Thank you so much. हिंदुस्तान की स्पेशलिटी यही है कि हमारे हर जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पे हर अलग अलग टाइप के लोग दिखते हैं आपको, और वहाँ पे अलग अलग दृश्य दिखता है आपको, ना कि वो उन्होंने उतारा है कैनवस पे, एंड दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। फॉर मी व्हाट आई बिलीव टोटली इज आर्ट कैन ट्रांसफॉर्म द मंडेन टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो आई एक्चुअली पेंट common everyday life people and things, objects, but to me they appear beautiful, and that's what I like to paint. And yes, he talked about Womania, the Magan painting that I have done. It's an honor to be having the government select that as a mascot for their project called Womania on Gem, and that's how I paint basically my various trysts with the different cultures that is India, which is so close to my heart. वेल मैंने तो, मैं थोड़ा स्मार्ट था, मैंने पहले देख लिया था पहले से, एंड आई सॉ देयर वर्क एंड आई थॉट इट इज़ वेरी लवली। तीनों आर्टिस्ट जो यहाँ पे आए हैं, उनके हर किसी का काम बहुत खूबसूरत है और यूनिक है, अलग है तीनों एक दूसरे से। एट द सेम टाइम तीनों में एक मिलाव है जो एक साथ जोड़ता है। दैट्स व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट, इज़न्ट इट? हम सब अलग अलग लोग हैं, बट वी ऑल हैव टू टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इंडिया ऑन कैनवस आज दिखा रहा है आपको। And I did my homework very well, yes. Think it is like आप पूछ रहे हैं तीनों बच्चों में से कौन पसंद आता है आपको। आई वुड से तीनों अलग ही हैं। एक आर्टिस्ट टॉक्स अबाउट घर के बारे में बात करता है, किचन के बारे में बात कर रहा है एक आर्टिस्ट ट्रैवल के बारे में बात कर रहा है, और एक टिपिकल रिलेशनशिप्स लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो तीनों बिल्कुल अलग हैं, बट आई थिंक कनेक्टिंग पॉइंट यही है कि हमारे देश की खूबसूरती बाहर निकलती है। Well, I think amongst all of them, since her painting, which is a part of Womania, part of government of India now, so I think that's special. So obviously, जो भी हमारा देश select करता है, that always gets recognition. So I would congratulate her for that painting for sure. Thank you.
I'm trying to portray the roots that we should go back to in this digital era, I think, and not forget. So that is why I've tried to portray village scenes, particularly based on folk art. And I feel that we should go back and we should, you know, try to relate to them once again. रंग बिरंगी और चित्र किसको देखने अच्छे नहीं लगते हैं, और यहाँ पर इन्होंने, और मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने हमारे जो बर्तन जिन्हें हम वैल्यू नहीं देते हैं उनको एक वजूद दिया यहाँ पर, कि इन बर्तनों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, वो इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर हमारा पूरा भारत आ गया है, भारत की जो संस्कृति है वो इन चित्रों में झलक रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता है जिसका सार कुछ इस तरह से है कि एक नन्ना सा दीपक आसमान के ओर छोर तक फैले हुए अंधकार को चुनौती देते हुए कहता है, भले मैं तुम्हारा सारा तम नहीं हर सकता, लेकिन मेरा होना ये सिद्ध करता है कि अंधकार को मिटाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। कितना बड़ा मर्म छिपा है इस कविता में, जो हमसे ये प्रेरणा देता है, हमें ये कहता है कि जीवन की राह में आगे बढ़ते हुए भले कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन एक बाधा पे हमें ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। मैं जनरल बेसिक पेंटिंग्स बनाती हूँ, जो अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ की चीज़ें हैं, जिनको शायद हम देखते देखते हमको एहसास भी नहीं होता कि दे आर इम्पॉर्टेंट, और वो हमको बहुत कुछ कहती हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में कहती हूँ, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमको इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, बट खूबसूरती ऐसी नहीं है कि सिर्फ जो खूबसूरत चीज़ों में होती, खूबसूरती इज़ ऑल्सो इन जो बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल। आई जस्ट वॉन्ट टू पोर्ट्रे वो सब में कितने रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो एक घर के बहुत सारे सामान हैं उन सब में, आई जस्ट वॉन्ट टू पोर्ट्रे दैट। देखिए पेंटिंग्स मैंने देखी, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और ज़मीनी रूटों से जुड़ी हुई पेंटिंग्स हैं, जो काफ़ी हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा उसमें विविधताएं हैं, प्रतिभाएं हैं। तो ये जितने भी तीनों आर्टिस्ट हैं, मैंने अभी दो पेंटिंग स्कैन की है, रुक्ता जी की और अनामिका जी की, इंद्रानी की भी मुझे स्कैन करनी बाकी है, बट इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस कि इतने खूबसूरत आर्टिस्ट हमारे बीच में हैं, एंड आई फील ऑनर्ड कि मैं ये पेंटिंग एग्जीबिशन में इनवाइटेड था। थैंक्स टू माई डियर फ्रेंड मनमोहन भाई, वो इन्वाइटेड मी, उन्होंने जिस काबिल मुझे समझा कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया।